हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबरीज क्विजिन। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पेगेटी को बॉईल कर लेंगे। तो मैंने एक पैन के अंदर पानी चढ़ाया है गरम करने के लिए। पानी जब गरम हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून नमक और एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब हम इस पानी के अंदर उबाल आने देंगे। देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम स्पेगेटी। तो एक से दो मिनट बॉईल करने के बाद स्पेगेटी सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, स्पेगेटी सॉफ्ट हो चुका है। स्पेगेटी बॉईल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। स्पेगेटी बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर जो कुकिंग प्रोसेस चल रहा है वो खत्म हो जाए और ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। अब हम इसको साइड में कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम बोनलेस चिकन। देखिए, चिकन को मैंने ऐसे लंबाई में काट के लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके अंदर डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट और डालेंगे 1 टेबलस्पून विनीगर। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिला लेंगे। तो सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स्ड हो चुका है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, यह मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रख के चिकन को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो चिकन यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके डालेंगे एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक कप कटा हुआ पत्ता गोभी, अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के इसको फ्राई होने देंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब डालेंगे एक लंबाई में कटा हुआ गाजर और एक लंबाई में कटा हुआ कैप्सिकम। अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और तीन से चार मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे। देखिए, सारे सब्जियां यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, तीखा आप आपके स्वाद के अनुसार डालिए, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार, और डालेंगे एक टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। अब हम सारे सब्जियों के साथ इस मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे।
सॉस को मिलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किया हुआ स्पेगेटी। अब हम सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। सारे सब्जियों को मैंने स्पेगेटी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और सारे चीजों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। इसको आप शाम के स्नैक्स पे या फिर डिनर पे या फिर आप चाहे तो बच्चों के टिफिन के लिए भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा सा कम करके डालें। तो यहाँ पे चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी बन के तैयार है। अब हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। चिकन स्पेगेटी को आज मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। उम्मीद करती हूँ इसका जो टेस्ट है ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। एक बार फिर मुलाकात होगी और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।